डालेंगे हम इसमें। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला लेंगे, दालचीनी, काली मिर्ची, शाह जीरा। गरम मसाला हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हमने एक डंडी प्याज लिए हैं, गोल्डन हुए तक हम फ्राई करेंगे इसको। बहुत मजे की बनती है ये पुलाव भी, सेम तहारी की जैसी ही बनती है, इसका अखनी अलग बनाना पड़ता है हमें। प्याज हमारी गोल्डन जरा लाइट गोल्डन हुई है, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। अदरक लहसुन के बाद हमने एक कटोरी गोश्त लिए हैं, एक कटोरी गोश्त लिए हैं। एक चम्मच नमक डालेंगे हम। अब हमारी मटन गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे चार, और एक गिलास पानी डालेंगे गोश्त मैरिनेट करने के लिए। गोश्त डालने के लिए एक गिलास पानी डालेंगे हम। इसमें पुलाव में हल्दी का यूज़ नहीं करेंगे, बिना हल्दी के ही करेंगे। एक गिलास पानी लिए हैं, अब हम इसको 25 से 20 मिनट के लिए गोश्त गलने के लिए छोड़ देंगे। इसको सीटी लगाएंगे। अब हमारा गोश्त गल चुका है, अब इसकी सीटी जा चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं। अब हमारा ओपन करेंगे हम इसको। गोश्त गल चुका है, हमारा गोश्त गल चुका है। अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं, अब हम इसको निकालेंगे बाहर। अब हम ऑयल डालेंगे चार डोंगे, क्योंकि हम गोश्त मैरिनेट होने के टाइम भी दो डोंगे डाले थे, अब हम और डालेंगे चार डोंगे तेल डाले हैं। अब हम इसमें आलू फ्राई करके लेंगे, उसके बाद हम इसमें ये डालेंगे। ये बहुत अच्छा पुलाव बनता है, आप तहारी के जैसा ही होता है। इसमें बस लाल मिर्ची जितनी है, इसमें हरी मिर्ची ज़्यादा डाली जाती है। हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, ये फ्राई करे आलू बहुत अच्छे होते हैं, खास करके पुलाव में बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं। अब हमारे आलू गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये पुलाव फेमस पुणे का बहुत फेमस पुलाव है, आप ट्राई जरूर करिए, बहुत अच्छा बनता है ये पुलाव। हमें इसमें प्याज डालेंगे, प्याज इसमें हम ज्यादा लेंगे, दो से तीन प्याज की डलियां लिए हैं हम, आप भी ज्यादा लीजिए। प्याज जितनी रहेंगी उतनी मजे की दिखती है पुलाव। हमने तीन अड़ी प्याज लिए हैं, इसको अच्छा गोल्डन होए तक फिराएंगे हम। हमारी प्याज गोल्डन हुए तक हम इसको फिराएंगे इस तरीके से। हमारी गोल्डन कलर की हो चुकी है प्याज, अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे दो। हमें एक चाय के चम्मच गोश्त गलने के टाइम भी डाले थे, और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे।
कुकर में मैं इसके लिए बनती जल्दी बनती है, बल्कि मैं खास कुकर में ही बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है कुकर में जल्दी। मैं एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, और हम इसमें हरी मिर्ची कोथमीर पुदीना पीसे हुआ डालेंगे हम इसमें एक चम्मच, मैंने पीस के ली थी अभी, वो डालेंगे एक चम्मच। अब इसमें हम टमाटे ऐड करेंगे, जो कि मैंने तीन टमाटे लिए हूँ बारीक चॉप करे हुए, वो डालेंगे। इसमें हल्दी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो इसका फ्लेवर है, जो इसका कलर है, वो ही आएगा पुलाव में हमारे। अब हमारे टमाटे नरम हो गए हैं, टमाटे अच्छे नरम होने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। पहले एक बार टमाटे अच्छे से नरम हो जाने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें दही। अब हम इसमें दही डालेंगे, प्याज टमाटर अच्छे हमारे गल चुके हैं, एक कटोरी हमने दही लिया है, एक चम्मच नमक डालेंगे, हमने गोश्त में भी डाले हैं देख के डालेंगे एक चम्मच। अब मिक्स करेंगे हम अच्छी तरीके से दही को नमक को। अब हम गरम मसाला एक चम्मच लिए हैं पीसे हुआ, अब इसको भी अच्छी तरीके से हिलाएंगे। अब हम इसमें कोथमीर पुदीना जो हमने पीस के भी डाले हैं, और इसमें भी और डालेंगे, और थोड़ा हम बांधने से डालेंगे जो हमने धो के कट करके दिए हैं कोथमीर पुदीना, इसको भी अच्छी तरीके से हिलाएंगे। ये बहुत अच्छा बनता है पुलाव। हम इसमें आलू डालेंगे, अब जो हमने तल के लिए थे आलू। अब हम इसमें गोश्त जो गला के रखे हैं अब हम वो डालेंगे, हमने जो गोश्त गलाने के टाइम गरम मसाला तेल प्याज वगैरह डाले थे, देखिए आप इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया। अब हम इसको गोश्त ऐड करेंगे, इसमें दो से नींबू लेंगे, नींबू का रस लेंगे, हम ज्यादा खट्टा खाते हैं तो ज्यादा डाले तो चलेंगे, क्योंकि खट्टी खट्टी अच्छी लगती है अपनी तहारी पुलाव। अब हम इसमें अब पानी डालेंगे, हम जितने चावल है उसका डबल हम पानी डालेंगे इसमें। अब हमारा अदन आ हम अपनी रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी हम जितने चावल लिए उसका डबल पानी डालेंगे, हमने चार ग्लास पानी लिए हैं, और हम और थोड़ा कोथमीर पुदीना रखे थे ऊपर से अब डालेंगे हम, या चावल डालेंगे बाद भी डाले तो चलता। हम चार ग्लास पानी लिए हैं, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा बनता है पुलाव। अब हमारा चावल का अदन आ चुका है, अब हम चावल डालेंगे इसमें, ये बहुत अच्छी बनती है ये पुलाव, आप जरूर ट्राई कीजिए। अब तहारी पुलाव अखनी ये सब एक जैसे होते हैं, सिर्फ ग्रेवी मसाला कुछ अलग अलग रहता है, आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं इसमें। अभी चावल डाले के बाद हम एक बार अच्छे से इसको हिलाएंगे।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इसको कुकर को एक सीटी लेंगे चावल। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। आपको मैं पकने के बाद इसका लुक बताऊंगी। बहुत टेस्टी होती है, बहुत मजेदार होती है। अब हम इसको एक सीटी लगाएंगे, एक सीटी देंगे। अब हमारी एक सीटी हुए के बाद हम इसको असली लुक बताएंगे आपको। अब हमारी पुलाव पक चुका है। हाँ, हम देखो उसको ओपन करेंगे। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ऊपर से ही इसका। हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको दही के साथ भी या पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं आप। बहुत अच्छी बनती है ये पुलाव, हमारे घर पे सबको बहुत पसंद आती है। कुकर में बनाने का मकसद ये है कि बहुत जल्दी बनती है, इसके लिए मैं ज्यादा चीज कुकर में ही यूज करती हूँ ज्यादा। अब हम इसको पुदीने के साथ भी सर्व करेंगे, दही के साथ, प्याज के साथ, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और ये रेसिपी को ज़रूर ज़रूर आप भी घर पे ट्राई कीजिए। हम इसको प्याज के साथ सर्व करेंगे। बाय, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।